भजन संहिता अध्याय 90। भजन संहिता अध्याय 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौटाओ, क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। भोर को वे बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं, हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा, और भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भुगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर।